क्या आपने बिहार का खाजा खाया है? बहुत ही क्रिस्पी और मुंह में घुल जाने वाला, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चीनी बिल्कुल हल्का होता है, देखिए कितना अच्छा दिखने में लेयर इसका देखने में लगता है, बहुत ही अच्छा। और आज हम यही बनाने के लिए खाजा, सिलाव का खाजा हम शेयर करने वाले हैं। बिहार में नालंदा जिला में सिलाव एक जगह है, वहाँ ये खाजा बनाया जाता है, बहुत ही फेमस है, देश विदेश में इसका बहुत ही नाम है। और मैंने भी खाया है, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए सिलाव का खाजा कैसे बनाया जाता है हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस होली में सिलाव का खाजा ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लाजवाब लगेगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोशन। सिलाव का खाजा बनाने के लिए हमने एक कटोरी मैदा लिया है और इसमें हम 3 चम्मच राइस ब्रेन ऑयल हम डालेंगे, मोदी केयर कंपनी का है, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑयल बहुत ही बेस्ट होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो मिक्स करेंगे डाल करके। हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। एक कटोरी हमने पानी लिया है, देखते हैं कितना लगता है पानी। थोड़ा थोड़ा हम लेंगे और इसको गूंधेंगे, सख्त आटा गूंधेंगे, रोटी की तरह हमको नहीं चाहिए। ये हमने आटा गूंध लिया है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देते हैं। पानी हम एक कटोरी लिए थे, इससे एक तिहाई पानी हमारा लगा है इसको डो बनाने में, तैयार करने में। हम ऐसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। गैस ऑन है और हमने ये तेल डाला है, अब इसमें हम 2 चम्मच मैदा डाल रहे हैं। ये खाजा बनाने के लिए हम इससे पेस्ट बनाएंगे, ये थोड़ी देर तक हम इसको चलाते हुए भूनेंगे। हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया है, अब गैस हम बंद कर देते हैं। तो 10 मिनट अब हो गए हैं और हम 2 मिनट के लिए मसल लेते हैं हाथ से अच्छी तरह से। बॉल बनाकर हम हाथ से प्रेस कर लेते हैं इस तरह से, और हम इस ये स्लैब में तेल थोड़ा सा डाल रहे हैं और बेलन में थोड़ा सा लगा रहे हैं, इससे चिपकेगा नहीं जब हम बेलेंगे तो। और इसको लंबाई में बेलना है, रोटी की तरह नहीं बेलना है, बस जितना लंबाई हो सके उतना बेलना है। देखिए किस तरह से बेल रहे हैं। ये हमने बेल लिया है, ये लंबा इतना काफ़ी है, इतना पतला सही है। अब हम इसमें पेस्ट लगाते हैं, हमारा पेस्ट ये ठंडा हो गया है और पूरा हम लगा लेंगे हाथों की मदद से, हम इसको फैलाएंगे अच्छी तरह से लगाएंगे इस तरह से। हमने लगा लिया है, अब हम थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे मोड़ेंगे। देखिए किस तरह से हम मोड़ रहे हैं, हल्के हाथों से हम मोड़ेंगे आराम से। हमने पूरा इस तरह मोड़ लिया है, अब हाथों से दबाते हुए हल्के हाथों से हम इसको बेलन की तरह रोल इस तरह हम कर रहे हैं, इसी तरह से करें, ये लंबाई में आ जाता है इस तरह से। हमने ये बढ़ा लिया है, ये लंबा हो गया है, अब दोनों तरफ से हम चाकू से कट कर हटा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और 2 इंच का लगभग गैप करके हम काट रहे हैं।
देखिए इस तरह से काट लें। और ये देखिए किस तरह से हमारा ये लेयर दिख रहा अंदर से। अब हम बेलन से धीरे धीरे इसको बेल रहे हैं, दोनों तरफ से पलट करके हम बेलेंगे धीरे धीरे। हमने बेल लिया है, अब हम इसको चाकू से कट कर लेते हैं। ये तीन भाग में हम कट कर रहे हैं, आप छोटा बड़ा काट सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह से अलग अलग हम रख लेंगे, चिपकेगा नहीं ऐसे। दूसरा भी बेल लेते हैं धीरे धीरे। इसको भी हम काटेंगे चाकू से, ये बड़ा है इसलिए इसको हम चार भाग में काट रहे हैं। ये हमने काट लिया है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हम मोदी केयर कंपनी का ये ऑयल लिए हैं और अब हम इसमें डाल रहे हैं खाजा को। और ये धीरे धीरे हम फ्राई होने देंगे, उल्टेंगे पलटेंगे और ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। हमारा लेयर अपने आप निकल कर दिखेगा, देखिए किस तरह से दिख रहा। ये ब्राउन हो गया है, अब हम निकाल लेते हैं इसको। अब हम दूसरा डालते हैं और इसको भी उसी तरह से उलट पलट कर हम फ्राई करेंगे। और निकाल लेंगे फ्राई करके, इसको भी निकाल लेते हैं। ये भी हमारा रेडी हो गया है। हमने ये सारा खाजा बना लिया है, देखिए किस तरह अच्छी लग रही। अब हम इसके लिए हम चाशनी बनाते हैं। एक कटोरी हम ये चीनी ले रहे हैं, हाफ कटोरी और लेंगे हम, डेढ़ कटोरी चीनी ले रहे हैं और एक कटोरी हम पानी डालेंगे। तो चलिए चाशनी बना लेते हैं। हमारा ये चाशनी बन रहा है, ये उबाल आ गया है, देखिए हल्का गंदा है, इसको हम निकाल देते हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं हमारा ये चाशनी बनकर तैयार है, ये तार होने लगा है इस तरह से, इतना काफ़ी है। तो चलिए अब हम चाशनी में डाल लेते हैं। ये गर्म चाशनी है और हम ठंडा खाजा को डाल रहे हैं, उलट पलट कर बस इसी तरह से सारा खाजा को हम निकाल लेंगे, ज़्यादा देर तक इसमें रखना नहीं है इसी तरह से। अब हमारा ये खाजा बनकर तैयार है, सिलाव का खाजा, ये बहुत ही अच्छा बना है, देख सकते हैं। इसको हम तोड़कर दिखाते हैं ये किस तरह से है, देखिए कितना सॉफ्ट है और इसकी लेयर देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें चीनी भी ऐसे कम जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, चीनी चीनी बिल्कुल नहीं लगता। आप भी इसी तरह से बनाएं और खाएं और कमेंट करके बताएं हमारा रेसिपी ये कैसा लग रहा, कैसा बना है। और होली आने वाली है, होली में आप भी बनाइए। और रमज़ान इसके बाद आने वाला है, जब मन करे तब आप बनाएं खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें दीजिए अब इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।